Voters Today, Odisha's fastest growing web news channel. आज पूरे विश्व में एक वायरस ने चुपचाप आकर पूरे मानव जाति पर हमला करने का प्रयास किया है। मानव जाति हमेशा से मृत्युंजय रही है, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। वह हर मनुष्य स्वयं शासित है, वह किसी के पराधीन होकर चल नहीं सकता। कैसा भी युद्ध हो, जमीनी हो या आसमानी हो, उस पर मनुष्य ने हमेशा विजय प्राप्त की है। अभी अभी आप देश के मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनुष्य की उसी अंतर्निहित अंतर जगत की सुप्त शक्ति का आह्वान किया है कि कोई भी मनुष्य संकल्प और संयम से, या जिसको हम कह सकते हैं आत्मानुशासन से, या हम ये कह सकते हैं कि वह अपने आप पर स्वयं शासन करता है, या ऐसा कहें कि वह अमृतस्य पुत्रा है, वह अमृत का पुत्र है, वह इस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन युद्ध में जिस प्रकार की सावधानियां, जिस प्रकार के शस्त्र अस्त्र हमको चाहिए, उन शस्त्र अस्त्रों को भी हमको एकत्र करना पड़ेगा। सावधानी चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, जानकारी चाहिए, और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता भी चाहिए जो इस युद्ध में फोर फ्रंट पर आगे जाकर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ने की क्षमता रखते हैं। वह बड़े बड़े ऐसे अमीर लोग हो सकते हैं जिनके पास लोग सर्विस करते हैं, वह डॉक्टर्स हो सकते हैं, वह ग्रोसरी का काम करने वाले, सामान देने वाले, सप्लाई करने वाले, लाइफ सेविंग्स ऐसे आर्टिकल्स, कमोडिटीज, वस्तुओं को जो सप्लाई करने का इस समय काम करते हैं, क्योंकि युद्ध के अंदर सभी प्रकार के व्यक्तियों का सभी प्रकार से योगदान होता है और सभी प्रकार के व्यक्ति सभी प्रकार के अपने अपने उपक्रम करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसका अनुमोदन बड़े हर्ष के साथ मेरे प्रदेश के, उत्कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन जी पटनायक ने भी कहा है कि मनुष्य स्वयं शासित है, और हम इस हमले का, युद्ध का जो वायरस ने चुपचाप हमारे ऊपर आकर किया है, इसका हम जवाब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू अर्थात स्वयं शासित होकर, आत्मनुशासित होकर, बगैर किसी के जैसे कहे, इस प्रकार से उसको प्रतिकार करेंगे। और जब इस प्रकार के वायरस को, इस प्रकार के व्यक्ति को जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उसको भूख लगेगी तो स्वयं को ही तो खाएगा। इस प्रकार से हम इस वायरस को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी कहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पहले से कहीं रोगग्रस्त हैं, वो कृपया ज़रा ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि युद्ध में नौजवानों की आवश्यकता होती है, इसलिए वृद्धों को, बूढ़े लोगों को ज़रा अपना घर संभालने की उनको चिंता करना चाहिए। और वास्तव में अभिवादन, अभिनंदन, आभार उन लोगों का भी करना चाहिए जो इस युद्ध में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर पूरे मानव जाति का साथ दे रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हर युद्ध को हमने जीता है, हर बार जीता है, चाहे फनी का था, चाहे किसी प्रकार के साइक्लोन थे, चाहे किसी प्रकार की आपदाएं आई हैं, ये आपदाएं हमारे लिए छोटे मोटे खेल बन जाते हैं। शर्त केवल इतनी है कि पूरा विश्व और विशेषकर पूरा भारतवर्ष, क्योंकि भारतवर्ष ही दुनिया को बचाने की क्षमता रखता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही सार कंट्रीज के देशों को बुलाकर सबसे बड़ी पहल की है, और पहल की है कि आइए हम सब मिलकर लड़ें, और एक संदेश दिया है, और ये संदेश दिया है कि मनुष्य अपने अंतर्निहित अंतर जगत की शक्तियों को जागृत करे, और जागृत कर इस वायरस का मुकाबला करे। और उसके लिए प्रथम चरण है कि कल 22 तारीख को मनुष्य स्वयं शासित होकर ये संकल्प ले, संयम धारण करे कि इस वायरस को हम अपने प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे।